राज्य सरकार के निर्देशानुसार जल जुलनी एकादशी के अवसर पर संपूर्ण प्रदेश में पूर्ण भरे हुए जलाशयों पर आज 14 सितंबर को राजस्थान जल महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। उदयपुर जिले का जिला स्तरीय कार्यक्रम गोगुंदा के राणेराव तालाब पर आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उदयपुर उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमेंद्र नागर ने की। तालाब पर आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमेंद्र नागर एवं उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली ने विधिवत पूजा अर्चना की और आरती कर जलाशय की माता को दर्शाया। समारोह में उपस्थित सभी मेहमानों का मेवाड़ी पगड़ी माला और केसरिया दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हेमेंद्र नागर ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में जल संग्रहण की काफ़ी स्थिति अच्छी रही, जिसके चलते राज्य सरकार ने राजस्थान जल महोत्सव 2024 को आयोजित करने का निर्णय लिया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य आम जन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। वहीं उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली ने अपने संबोधन में राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण और जल बचाव के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को जल संरक्षण एवं स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में गोगुंदा प्रधान सुंदर देवी गमेती, उप प्रधान लक्ष्मण सिंह झाला, पूर्व प्रधान पप्पू राणा भील, गोगुंदा सरपंच कालूलाल गमेती सहित वार्ड पंच, गोगुंदा तहसीलदार ओम सिंह लखावत, विकास अधिकारी जितेंद्र सिंह राजावत, ग्राम विकास अधिकारी सुरेंद्र कुमार नंगलिया एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया और जल महोत्सव को सफल बनाया। सरकार के निर्देश पर जल महोत्सव का कार्यक्रम संपूर्ण राजस्थान में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ गोगुंदा में रखा गया था, इसमें सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ के स्थानीय निवासी उपस्थित हुए और इस महोत्सव का यही उद्देश्य है कि हम जल संरक्षण कैसे किस प्रकार जुड़ सके, जल का संरक्षण किस प्रकार से कर सके और गाँव की स्वच्छता किस प्रकार से मेंटेन कर सके और जल के जो हमारे परम्परागत स्रोत हैं उनको किस प्रकार से उनका पुनरुद्धार करते हुए हर एक व्यक्ति उसमें भागीदार रहते हुए और जल के जो स्रोत हैं उनको व्यवस्थित रखें, शुद्ध रखें और सभी जो यहाँ के जो नागरिक हैं उनका सबका दायित्व भी ये बनता है कि वो जल के जितने भी स्रोत बने हुए हैं, चाहे तालाब हो, कुएँ हो, बावड़ियाँ हो, उन सभी जो जो स्रोत हैं उन स्रोतों को शुद्ध रखें और अपने आसपास जो सफाई की जो व्यवस्था है वो भी देखें और गाँव भी स्वच्छ रहे और जो हमारे परम्परागत स्रोत हैं उन स्रोत को हम सभी साथ लेकर के चलें और जो हमारे तालाब बने हुए हैं, बावड़ियाँ बनी हुई हैं, हमारी नहरें बनी हुई हैं उन सबका उपयोग जो है ग्रामीण जन आसानी से करें, ये इस कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य था और इस कार्यक्रम को आज हमने जिला स्तरीय जो कार्यक्रम था उसका सेलिब्रेशन हमने गोगुंदा में किया है। आज हमारे जल महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार पूरे राज्य प्रदेश के अंदर अच्छी बारिश हुई, जिसको आज हमने गंगा माता जी का इस नजला ग्यारस के शुभ अवसर पर आज हम सभी जिला स्तर के अधिकारी हमारे सीओ साहब और सभी ने इनका आज गंगा माता जी का पूजन किया और आने वाले समय में जैसा कि अभी सीओ साहब ने बताया कि जो हमारे जल संरक्षण का जो काम है उसको हम और कैसे अच्छे से करें। पूर्व में हमारे अभी मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में सकल वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी सरकार यही संदेश देना चाहती है कि हम सभी को जल संरक्षण का काम हो, चाहे हमारे पेड़ पौधे लगाने का काम हो, चाहे हमारे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अपने गांव और मोहल्ले को स्वच्छ बनाने का काम हो, उसमें हम सब जनता की भागीदारी को साथ में रखते हुए कैसे